मौसम विभाग की मॉनसून को लेकर इस बार ज्यादा बरसात की भविष्यवाणी ने जहां उत्तर भारतीयों को उत्साहित कर दिया है, वहीं हरियाणा के कुछ जिलों में अधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको देखते हुए प्रदेश भर के साथ साथ पंचकुला प्रशासन ने भी बाढ़ के मद्देनजर कमर कस ली है। पंचकुला प्रशासन ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, ग्राम सचिवों, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों व संबंधित अधिजरियों को निर्देश दिए कि वे डांगरी नदी का सेना का अधिकारियों के साथ दौरा करें और वहां पर आबादी वाले लोगों एवं पंच सरपंचों से तालमेल बनाए रखें और अधिक पानी आने पर तुरंत नियंत्रण कक्ष में अधिकारी सूचना दें। एक और जहां पंचकुला प्रशासन हरियाणा की जीवनदायिनी नदी घग्गर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बचाव की तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ घग्गर नदी में रोजाना सैकड़ों बच्चे नहाते हैं, जिनको पानी में जाने से रोकने के लिए पंचकुला पुलिस प्रशासन ने नदी में नहाने व कपड़े इत्यादि धोने पर पाबंदी लगा दी है। पंचकुला में जहां सुखना लेक का एक हिस्सा लगता है, वहीं घग्गर नदी यहां से होकर निकलती है, जो कि कभी भी बरसात तेज होने पर बाढ़ का खतरा पैदा कर सकती है। बरसात के मौसम में लगभग 4000 क्यूसेक पानी आता है। पंचकुला शहर में जल निकासी के लिए 1.25 इंची पाइप लगा हुआ है और बारिश लगभग 3 इंच होती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचकुला स्थित चंडी मंदिर के पास जल निकासी लगाए गए हैं, जिसके द्वारा 2400 क्यूसेक पानी कौशल्या डैम में घग्गर में डाला जाएगा। कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश घग्गर नदी के जल स्तर को बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कभी भी घग्गर के पानी में उफान आ सकता है। इसे बेखबर सैकड़ों बच्चे पानी में सिक्कों की तलाश में या गर्मी से बचने के लिए गोता लगाते हैं, जिनको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकता। अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। पुलिस उपायुक्त अनिल धवन ने आपराधिक दंड संहिता की प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जिला में घग्गर, कौशल्या, टांगरी और अन्य नदियों एवं वाटर चैनलों में उतरने व नहाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश जान माल एवं संपत्ति की सुरक्षा व शांति को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि प्राय देखा गया है काफी संख्या में लोग व बच्चे इन नदियों के किनारे घूमते हैं और नहाने तथा सिक्के व नारियल आदि उठाने के लिए यहां प्रवेश करते हैं। पहाड़ों में बरसात हो जाती है, लेकिन यहां बरसात न होने के कारण भी इन नदियों में तेज बहाव से पानी आता है, जिससे उस समय नदी में नहाने वाले बच्चे व बड़े पानी के तेज बहाव की चपेट में आ जाते हैं। इस तरह एक कदम तेज बहाव की चपेट में आना परेशानी का कारण बनता है और जान भी जा सकती है। इसलिए आदेश जारी कर 14 जुलाई तक नदियों में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आदेशों में कहा है कि संबंधित क्षेत्र में अधिकारी भी इस दिशा में सचेत रहें, ताकि बरसात के मौसम में कोई भी व्यक्ति इन नदियों में प्रवेश न कर सके। गौरतलब है कि घग्गर नदी पर कौशल्या डैम बना दिया गया है, मगर जब डैम में पानी बढ़ेगा तो उसे छोड़ा भी जाएगा। कभी भी घग्गर में अब पानी का स्तर बढ़ सकता है। अगर पानी का स्तर बढ़ा तो उसके चलते हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। कई बार ये बात तो उठी कि बच्चों को पानी में जाने से रोका जाना चाहिए। बरसात के मौसम में जब घग्गर नदी में ऊपर से बरसात का पानी काफ़ी मात्रा में आता है और ये माजरी चौक के साथ जो घग्गर पुल के नीचे से गुजरता है, यहाँ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है और लोग जो है पम फूल वगैरह प्रवाह करने के लिए और दूसरे धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने के लिए यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो आसपास के जो झुग्गियों वाले जो बच्चे हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो इसके अंदर बीच में वो कुछ निकालने के लिए भी कुछ उनको मिल जाए तो ये इसके आसपास घूमते रहते हैं और पानी में छलांग लगाते रहते हैं। पानी कई बार तेज भाव से हो जाता है, जिससे हादसे होते रहते हैं। इसलिए हमने इसके बारे में धारा 144 लगाई है और मुलाजमों की सरप्राइज चेकिंग भी करवा रहे हैं, ताकि इसके अंदर कोई बीच में आए ना और ना ही इसके अंदर कोई छलांग लगाए। कैमरा पर्सन परवीन के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।